लेजेंड्स को डांस कराने का मौका मिले, यही सपना लेके हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं हमेशा, यू नो। और अगर वो सपना पूरा हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। लाइक इट वाज अ ड्रीम कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे इतने लेजेंड्स, और ऊपर से अ डायरेक्टर लाइक सूरज बड़जात्या है, वो ख़ुद भी लेजेंड्स हैं अपने आप में, वो एक डायरेक्टर लेजेंड और फिर इतने एक्टर्स, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू मी। बहुत मेहनत की इसके लिए हमने, रातों की नींद, मुझे नींद नहीं आती थी आधी रात। इट्स अ लाइनअप, गाना भी सुपर हिट है और विजुअल्स भी उसके उतने ही हिट होने चाहिए। और इतने बड़े एक्टर्स जब आपके साथ काम करते हैं तो आपका, आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, तो ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हम। इसके लिए टीम के साथ बहुत मेहनत की और आप सब देख रहे हैं इस मेहनत का नतीजा। नो, यू नो वॉट, वैन इट्स अ वेरी, हर टेक्नीशियंस के पीछे एक डायरेक्टर होता है एंड वी टेक्नीशियंस अ डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप, वही एक टेक्नीशियन को चूज करता है। तो सबसे पहले अगर सूरज बड़जात्या ने मुझे उनके सामने खड़ा किया कि ये मेरी कोरियोग्राफर है, तो वो एक बहुत बड़ा भरोसा है। तो फॉर मी ऑल्सो इट्स लाइक अ प्रिविलेज के सूरज जी ने मुझे ही चूज़ किया इस फिल्म के लिए भी, जबकि उन्हें पता है कि इतने तजुर्बेकार कलाकार उनके साथ होने वाले हैं। तो वहाँ पे 50% आपका काम हो जाता है। जेन्युइनली आई एम सेइंग कि एक्टर्स भी भरोसा करते हैं कि उन्हें पता है कि सूरज बड़जात्या जैसे डायरेक्टर कभी भी किसी ऐसे टेक्नीशियन को खड़ा नहीं करेंगे जिन्हें खुद काम नहीं आता। जैसे कि बहुत सारे वीडियोज में दिखा जा रहा है, अब तो रील्स आ गए तो 50 सेकंड्स का डांस होता है, और जब पहले मर रहा है तो डांस बहुत ज़्यादा, कोई लोग पसंद भी नहीं करते, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सी, हमने दिल से एक चीज़ बनाई है और उसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। सिर्फ इतनी बात है कि रील्स जो लोग बनाते हैं, हम एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस के लिए तो गाना नहीं बनाते हैं। वी मेक सॉन्ग फर्स्ट एज पर द डायरेक्टर, एज पर द एक्टर्स कैरेक्टर एंड स्टोरी लाइन। स्टोरी कहती है कि ये दोस्ती का गाना है, स्टोरी कहती है कि ये दोस्त है चारों जो एक दोस्त का बर्थडे मना रहे हैं, और हमारा मैसेज थ्रू दिस फिल्म इज़ फ्रेंडशिप। तो पहले हमें वो ध्यान में रखना पड़ता है एज ए कोरियोग्राफर। तो रील कौन बनाने वाला या कोई लोग क्या करने वाले, उसको सोचने से पहले हमें ये सोचना होता है कि ये कैरेक्टर इस फिल्म में कितना डांस कर सकता है। एक सीनियर कैरेक्टर दिखाए हैं और हर चारों के चारों एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं फिल्म में, तो वो कितना डांस कर सकते हैं वो तय करना ही मेरा जॉब है। उसी को कहते हैं तजुर्बेकार कलाकार। और उसके बाद हमने वो स्टेप लेकर आए जो सब इजीली कर सके। आप देखिए, अनुपम खेर भी वो कर रहे हैं, बोमन ईरानी भी कर रहे हैं, डैनी सर कर रहे हैं, अमित जी कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेप जो उनका कैरेक्टर भी करता हुआ अच्छा लगे, वो भी कंफर्टेबल लगे और ऑडियंस भी इनको पसंद करे, दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड इट। फिल्म पहले से थे, अब तक आपके सभी काम बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, सो आपसे जानना चाहेंगे आज का जो टाइम चल रहा है और जो पहले आपने स्टार्ट किया था, कोरियोग्राफर को कितना इम्पोर्टेंस लोग भी मानते हैं या नहीं मानते हैं? सी, इसमें दो चीज़ें हैं, एक लिटिल डिबेट ऑल्सो इज देयर विच आई विल टॉक, डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट टू टॉक। मैंने बहुत यंग एज में शुरू किया था, तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। आई वॉज 19 जब मैंने पहला गाना कोरियोग्राफी की, शायद आई थिंक कोई कोरियोग्राफर नहीं है जिन्होंने इतनी कम उम्र में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की थी। 19-20 साल की थी कोरियोग्राफी शुरू की, तो मैं उस ज़माने को भी बहुत अच्छे से समझती हूँ, और आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं इस ज़माने को भी उतना ही बेहतरीन अंदाज में समझती हूँ, क्योंकि आई स्टार्टेड यंग तो आई रीच्ड हियर नॉट वेरी ओल्ड। तो वो तजुर्बा मुझे हमेशा हेल्प करता रहा कि मैं ज़माने के साथ चलती रही। मुझे उस वक्त के भी गाने बहुत पसंद हैं, मैंने क्लासिकल सीखा है तो आई हैव नॉलेज ऑफ दैट, एंड देन आई हैव टुडेज़ नॉलेज। यस, आज रील्स की वजह से मार्केट ओपन हो चुका है बहुत ज़्यादा, और इंटरनेट इतना, सबके हाथ में फ़ोन है, सब लोग फ़ोन पे देखते हैं हर चीज़, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई है, विच इज़ गुड ऑल्सो। ये अच्छा भी है कि एक आम आदमी भी उठ के रील के थ्रू अपने आप को स्टार बना लेता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर नॉर्मल पीपल, जो जिनके लिए एक सपना होता था कि हम कभी स्टार बनेंगे, आज वो रील्स के थ्रू स्टार बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम आसान भी होता है कि वी कोरियोग्राफर गिव्स द स्टेप्स टू देम एंड देन दे एक्सप्लोर इट, एंड उनकी भी ऑडियंस उसको देखती है, विच इज़ वेरी गुड। समवेयर डाउन द लाइन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे होती है ये देख कर के कुछ लोग बिखर भी रहे हैं, कुछ लोग सोल ऑफ कोरियोग्राफी को ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारा इंडिया से जो ग्रेस
वेस्टर्न लोग आज भी लेके जा रहे हैं हमारे डांस का, हमारी सभ्यता का, वो मुझे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और मैं कॉन्स्टेंटली हिट कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि सोल ऑफ कोरियोग्राफी को हम जिंदा रखें। कितना भी फास्ट डांस हो, ग्रेस मरना नहीं चाहिए। कितना भी कैरेक्टर उस डांस को करने सके, लेकिन आपके अंदर ग्रेस और दिल से वो डांस को किया जाए तो वो अच्छा लगेगा। कुछ लोग रील्स में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंटिंग भी करते हैं, क्योंकि एक जरिया मिल गया, एक माध्यम मिल गया, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं गलत तरीके, बस यही है। बट ये हर ज़माने में चला आया है। ये एक दोस्ती का गाना है। ये जो आपके टू आर्टिस्ट कहेंगे या जो आपके डांसर हैं उनको साथ में भी सी पहले तो गाना म्यूज़िक बनने में जो वक्त लगा और जब मैंने गाना सुना उसके बाद से आई टुक लाइक 10-15 डेज इन माई हेड टू कोरियोग्राफ इन माई हेड, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल कोरियोग्राफी। बहुत शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कोरियोग्राफी का मतलब सिर्फ डांस नहीं है। कोरियोग्राफी का मतलब है उस स्टोरी के, उस कैरेक्टर को उस वक्त समेट के उसको कोरियोग्राफ करके उसको शूट करना, जहाँ पे कैमरा भी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इन सब चीज़ों को लाइनअप में लाते हुए मुझे 15 दिन हमेशा 10-15 दिन में ले लेती हूँ अपने साथ, अपनी टीम के साथ। उसके बाद इसकी कोरियोग्राफी होती है, फिर वो कोरियोग्राफी के बाद हम सूरज सर को दिखाते हैं और फिर सूरज सर की टीम के साथ वी रिमूव स्टफ एंड वी पुट इन न्यू स्टफ। कभी सब कुछ वैसे ही चलता है, कभी हमें चेंज करना पड़ता है, फिर एज पर डायरेक्टर वी चेंज एंड वी गेट द थिंग रेडी। इस गाने में अगर मैं आपसे कहूँ कि इतने सीनियर एक्टर्स थे फिर भी उन्होंने 7-7 दिन रिहर्सल किए। डैनी सर 7-8 दिन रिहर्सल हॉल पे आए रोज़ाना, 1 बजे आते थे, 5-6 बजे जाते थे, एवरी डे विथ माई टीम। वी वर शॉक्ड कि अरे लुक एट, उनका एंथुजियाज्म देखे हमें लगा कि हम कहीं नहीं। दे वॉन्टेड टू लर्न लाइक लिटिल बेबीज, यू नो, बच्चों की तरह उछल पड़ते थे स्टेप्स को देखे, हमें करना है, हमें करना है। सिंपल स्टेप था लेकिन फिर भी वो नॉर्मल जो वॉक भी दिख रही है आपको गाने में, वो भी उन्होंने प्रैक्टिस की। अमित जी के घर जाके हमने उनको रिहर्सल कराया, अमित जी को सेट पे रिहर्सल, वो आते थे सेट पे करते थे। बोमन जी ने रिहर्सल किया, सारे एक्टर अनुपम जी ने रिहर्सल किया, दे ऑल रिहर्स्ड फॉर लाइक 7-8 डेज फर्दर एंड देन वी शॉट इट फॉर 4 डेज। कुछ बनती है तो बनती है, उसमें करेक्शन होती है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसमें कितनी करेक्शन किया आपने? किसी को डांस का माता है, किसी को अच्छा सवाल है आपका। ये करना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं ज़िंदगी भर से डांस कर रही हूँ, मेरे असिस्टेंट ज़िंदगी भर से डांस कर रहे हैं, दे आर डांसर्स, दे विल डू एवरीथिंग बिकॉज उनका रोज़ का काम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप एक एक्टर भी उतना ही अच्छा करे, क्योंकि वो उनका एक अपना बॉडी लैंग्वेज है। मैं आप में से किसी को कराऊंगी, अपना अपना बॉडी लैंग्वेज है, तो वो समझना ज़रूरी है कि जो स्टेप हम पे अच्छा लग रहा है वो एक्टर पे नहीं अच्छा लगे तो हमें उसको बदलना चाहिए। एक्टर के ऊपर क्या स्टेप अच्छा लग रहा है वो उसको अपने टैलेंट को उसमें डाल के निकाल के ले आना चाहिए, तभी एक्टर्स ईजी लगते हैं, तभी इन्जॉय करती ऑडियंस उनको देखते। अगर आप इस गाने में देखो ये वाला जो स्टेप है, आप सोचो अमित जी का ही स्टाइल है वो। अगर आप देखो अमित जी ने हमेशा ये स्टाइल, वो उनका स्टाइल है, यू नो, तो उसको मोल्ड करके ऐसे किया गया कि वो एक नेपाली म्यूज़िक में, क्योंकि नेपाली कल्चर भी, और नेपाली कल्चर का भी स्टेप है, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस मुझे नेपाल से भी आ रहे हैं, ऑडियंस खुश हो रही है। तो ये वाला स्टेप उस अंदाज में किया कि वो नेपाल वाले ऑडियंस भी डिसअपॉइंट ना हो, म्यूज़िक को भी टच करे, और अमित जी, अनुपम जी और ये बोमन जी और डैनी जी जब करे तो वो कम्फर्टेबल लगे, विच इज़ शोइंग। तो ये डेफिनेटली आई हैड चेंज स्टेप्स एज पर देयर कम्फर्ट। शबनम जी, काफ़ी समाज सेवा भी क्या आपने लॉकडाउन के टाइम में भी अभी भी करती हैं, उसके अंदर बताइए वो कितना इंस्पिरेशन होगा दूसरे के लिए कि जो क्रिएटिव मीडियम उसमें सब सोशल वर्क करने के लिए होता है? हाँ, सोशल वर्क तो करती हूँ मैं काफ़ी, जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं लेकर आई मैं अब तक, ये लॉकडाउन के बाद ही शुरू हुआ। एंड आई मतलब लोगों तक अनाज पहुंचाते ये सिलसिला शुरू हुआ लॉकडाउन में, और उसके बाद शबीना खान फाउंडेशन ओपन किया है, जिसमें अभी तक मैं खुद ही कर रही हूँ। मैं अपनी पेमेंट का 30% उस फाउंडेशन में डालती हूँ, हर पेमेंट का, और 2.5% आई पुट फॉर अलग चैरिटी जो मैं ही करती हूँ। उसके थ्रू मैं लोगों की जितनी सेवा कर सकती हूँ कर रही हूँ, और इसके पीछे यही है कि मैं इंस्पायर कर सकूं लोगों को कि और लोग आगे आए और लोगों की सेवा करें। मैं बिलीव करती हूँ कि एक रोटी में से 4 लोग खा सकते हैं। मैं उस तरह के घर से आती हूँ,
जहाँ पे बोलते हैं एक तिल में से नौ भाई बहन खान वो तिल में से खा सकते हैं, मैं उस घर से आती हूँ। तो ये मेरी फैमिली वैल्यूज़ है जो मुझे चैरिटी का जो मेरा दिमाग है और जो आया है मेरे अंदर, ये वी गेट इट फ्रॉम आवर फैमिली। हमारी फैमिली का ये रिचुअल है कि हम पहले अपने घर से पड़ोसी का, पड़ोसी से बाहर के लोगों का, और जो लोग जुड़ते चले जाते हैं उनकी भी ज़िंदगी के बारे में सोचते चले। तो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग एंड आई थिंक एक कोरियोग्राफर के बाद इंसान की एक पहुंच होती है कि एक कोरियोग्राफर डायरेक्टर बनता है, एक कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर बनता है। मैं कोरियोग्राफी के बाद डायरेक्टर नहीं बनूंगी, मैं यही काम करना चाहती हूँ। मैं प्रोड्यूस करूँगी कुछ फिल्में और उसके बाद मुझे यही काम करना है। आई थिंक बहुत सलमान खान, सलमान जी के साथ काफ़ी काम करती हूँ मैं, सभी फिल्में उनकी, प्रेम रतन, जय हो, राधे, अभी भाईजान आ रही है, तो सलमान सर हर गाने में, हर फिल्म में मुझे बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि ये गाना शबीना कर सकती है तो मैं जो बुलाते हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट हर फिल्म में ऑलमोस्ट एक से दो गाने होते ही है। सी आई डोंट नो अबाउट हाउ ही डज विद अदर कोरियोग्राफर्स, बट मेरे साथ ये होता है कि मैं बल्क में स्टेप्स कंपोज करके जाती हूँ। जैसे एक गाना हुआ, उसकी एक कोरियोग्राफी की जो स्टेप होती है मैं एक नहीं ले जाती उनके पास, मैं अपनी तरफ से 10 से 12 स्टेप्स कंपोज करके ले जाती हूँ, फिर वो मुझे दिखाने बोलते हैं और देन जो बेस्ट लगता है वो चूज़ कर लेते हैं। मेरे साथ अब तक ऐसे ही हुआ है, बाकी कोरियोग्राफर्स के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता सच में, पर मेरे साथ तो अब तक यही हुआ है कि मेरी स्टेप्स को आगे पीछे करके वो अपने अंदाज में करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, क्योंकि उनका एक अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्टाइल बन चुका है। डिजिटल जमाना है, हर चीज़ घर बैठे बैठे सीख, लोग सीख गए हैं, उनके कोरियोग्राफर बन गए हैं लॉकडाउन में, तो आपके लिए कितना इजी है कुछ स्टेप ढूंढना, एक इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आते हैं वो स्टेप ढूंढ के, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन रोज लाखों रीलें बनती है। सी मैं देखती सब कुछ हूँ, और जैसे हम लोग इन रेफरेंसिंग करते हैं गाना देखने के बाद, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ नहीं है कि कॉपी करना किसी को, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी चीज़ पैदा करने का, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने का बड़ा शौक है। तो मैं देखती हूँ कि चल क्या रहा है, टू बी इन द ट्रेंड, टू बी ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी, ज़माने के साथ चलने के लिए देखती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा भी क्रिएटिव माइंड इसको जज करता है कि ये सही है और ये सही नहीं है। कुछ बहुत अच्छा होता है तो मैं उनके प्रोफाइल पे जाके बोलती भी हूँ कि इट्स वेरी नाइस, और उस बंदे का दिन बन जाता है, दे फील वेरी हैप्पी। एक कोरियोग्राफर ने हमें बोला कि बहुत अच्छा किया, कीप इट अप, कीप डूइंग दिस। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अजीब सा करते तो देन मैं उनको छोड़ देती हूँ, बट यस देखती ज़रूर। और मैं एक बात और बताती हूँ कि कितनी भी कोरियोग्राफर बढ़ जाए, कितनी भी ज़माना बदल जाए, लेकिन जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, अगर वो फोकस्ड है तो आपको अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता। तो मेरे एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेल जो है मेल को सिखाता है फीमेल फीमेल को, लेकिन आप तो मेल को सिखाते हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा कितना मुश्किल होता है आपके लिए? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, टच करना, बॉडी को घुमाना, ऐसे डांस को, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट मी इज द मोस्ट लाइक, ये फन है बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर होती थी, अच्छा छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं बचपन से ही ना वो काम करना चाहती थी जो लड़के करते हैं। अम्मी बोलते थे ये वजन मत उठा, तुझसे नहीं होगा तो लड़की क्यों नहीं होगा, मैं उठाऊंगी। वो जिद मेरे अंदर पहले से थी कि लड़की क्यों नहीं कर सकती, दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें, क्या डिफरेंस है। ऊपर से अल्लाह ने लड़की को माँ बनने का सौभाग्य दिया, क्यों? क्योंकि अंदर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दी है उसने, तो ये स्ट्रेंथ को क्यों ना यूज़ करूँ। तो आए बचपन से ही मुझे लड़कों वाले काम करने का शौक था। मैं डमी, वो जो कपड़े सुखाने का धोखा होता है ना, वो उठा के कैमरा बना के भागती थी, बचपन से ही मुझे वो शौक था। तो जब मैं एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, गणेश मास्टर जी के यहाँ, गणेश हेगड़े के यहाँ मैंने शुरू किया, फिर गणेश मास्टर जी, तो सारे लड़कों वाले स्टेप्स मैं हीरो को सिखाती थी, क्योंकि मैं इतना बेस्ट करने लगती थी कि ऋतिक रोशन हो या गोविंदा हो या सलमान सर, बोलते थे तुम सिखाओ हमें, बिकॉज यू डू द बेस्ट, तुम लड़कों का स्टाइल बहुत अच्छा करती हो, तो मैं उनको सिखाती थी। तो वो जो मेरे अंदर है कि मैं पल में लड़का बन जाती हूँ, पल में लड़की बन जाती हूँ, वो क्वालिटी जो है वो मेरी एक चाहत थी कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ, उसी ने मुझे दिया। और क्योंकि मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं 7-7 साल की थी जब से एक्टिंग करती थी, एक्टिंग और क्लासिकल,
तो वो एक्टिंग का जो एक्टर जो है ना, पहले एक ही एक होती थी मधुमती एकेडमी, मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी दिखती थी, जो सोलो डांसर थी उन दिनों जब हेलन जी डांस करती थी, उनकी एक एकेडमी होती थी जहाँ पे अक्षय कुमार वगैरह सब सीखते थे, मतलब वो लोग सब सीनियर थे। मैंने सुना था कि वो सारे लोग सीख कर गए वहाँ पे, सोनम, अक्षय कुमार, वो सर वहाँ पे। मैं क्लासिकल डांस सीखती थी, सिखाती थी और एक्टिंग सीखती थी, तो जो मेरे अंदर का एक्टर है ना, वो मुझे ये सब चीज़ें स्विच ऑन स्विच ऑफ होने पर मदद करता है। कभी ऐसा हुआ कि आपके हाथ से आपने किसी मेथ को सिखा कर आपने उसने मना कर दिया कि मैं ये कंफर्टेबल नहीं? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोरियोग्राफी के लिए भी मैंने मेल हीरो की करी है, इमरान हाशमी के सारे गाने के जब मैं बनी थी। नहीं नहीं, कौन सा ऐसा गाना जो आपके मेल का मतलब साबित हुआ, एक पहचान मिली सबीना को? सबसे पहले मेरी पहली फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उसी फिल्म पे मुझे बहुत लोगों को लगा सरोज जी ने गाने किए। फिर जब मैं सामने आई कि ये लड़की इसने गाना किया, ये इतनी छोटी है, तो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते थे। तो पहली फिल्म से मुझे वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोगों को पहचान समझ में आने लगा, ये शबीना है, अच्छा ये लड़की है, ये गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट थी। फिर एक्टर्स को पता चलने लगा कि शबीना इज़ बिकम इंडिपेंडेंट, फिर वो लोग बुलाने लगे। पहला गाना आशिक बनाया आपने, जो हिमेश जी का पहला हिट था, वो मेरा पहला हिट था जिसमें मैं पहली बार नॉमिनेशन में थी, आशिक बनाया आपने। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ सारा, इमरान हाशमी की सारी फिल्में करने लगी। तो अगर मेरा करियर देखो तो मैंने मेल के लिए ज़्यादा कोरियोग्राफी की है देन फीमेल्स के लिए। और मेरा ये गाना भी, इस गाने से नहीं हटते हम लोग, ये गाना भी मेरा मेल है, चारों मेल हैं यू नो, और उनको एक फीमेल कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ किया। इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर मी, अवार्ड इज़ इमटीरियल एंड आई टेक दिस अचीवमेंट एज माई अवार्ड। आई ऑलवेज से मेरा गाना ही मेरा अवार्ड होता है। सच बताओ, दादा फाल्के अवार्ड मिला और कोई अवार्ड नहीं दिया मुझे किसी ने आज तक। प्रेम रतन धन पायो, आपको लगता है कि आप किसी ने मुझे अवार्ड नहीं दिया, सबने मुझे बुलाया, गई मैं नॉमिनेशन में, मुझे अवार्ड नहीं दिया। ये गाने से भी सब कहते हैं मुझे कि अवार्ड इज बिजनेस, बेसिकली अवार्ड इज बिजनेस, वो बिजनेस है, सब जानते हैं। पता नहीं, कुछ टैलेंट को भी मिलता है, मुझे देख के लगता है इसको मिलना चाहिए था, और देख के कई बार लगता है इसको क्यों मिल गया। जैसे कई, लाइक आई वुड लाइक टू रियली अंडरलाइन वन थिंग, इफ यू ऑल कैन टेक दिस आउट, कई गाने ऐसे हुए पिछले 3-4 सालों में जिसको मुझे नहीं लगता कि वो कोरियोग्राफी अवार्ड उसको मिलना चाहिए था। फिल्में भी हिट नहीं हुई लेकिन वो गाने को भी देख के नहीं लगा कि कोरियोग्राफर को मिलना चाहिए था, उन्हें अवार्ड मिल गया, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है लोगों को। अगर आप मुझे बोलोगे उस प्लेटफॉर्म पे बुला के तो मैं बात करूँगी, बताइए इसमें कोरियोग्राफी कहाँ है, बट उन्हें अवार्ड मिला है। तो ये एक बिजनेस है, ये हाँ बोलते हैं लोग, मैंने कभी सुना नहीं, मुझ तक कोई आया नहीं बेचने के लिए, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें सब सुनते हैं। दादा साहब फाल्के मुझे अवार्ड मिला है प्रेम रतन धन पायो के लिए। लेकिन 50 हाँ मैंने अभी सुना, जब मैं मुझे मिला था 2016 में शायद, उसके बाद अभी दादा साहब फाल्के बहुत सारे अवार्ड है, मुझे नहीं पता अब क्या सच है और क्या नहीं। उसके जिस तरह से आप टैलेंट को स्पॉट करते हो, मतलब जो भी बच्चे होते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, वो मीडियम कितना आपको लगा कि पावरफुल मीडियम है, क्योंकि उनको चाहिए प्लेटफॉर्म फाइनेंशियली या गाइड चाहिए जो वो मेशर कर सकते। अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, पता नहीं कि लॉकडाउन में मैंने दो काम किए थे, एक तो चैरिटी, जो दूसरा मैंने एक टीम बनाई थी 25 लोगों की, और वो 25 लोग लॉकडाउन में फुली मास्क और गेयरअप होके फ़ोन पे हर एक स्लम्स में जाते थे और स्लम्स में बच्चों को ढूंढते थे कि दरवाज़ा ठोक कर के क्या आपके घर में कोई डांसर है जिसको आज तक चांस नहीं मिला। मेरा मकसद ये था कि ऐसे कलाकारों को ढूंढना जिनके पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं कि हम ऑडिशन देने जाएं। और मेरी 25 लोगों की टीम जाकर उन बच्चों को ढूंढती थी, मैं उनके साथ ऑनलाइन होती थी, हम ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते जाने का, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 650 बच्चे हमने चुनकर लेकर आए और वो 650 बच्चों का मैंने ऑडिशन किया, उनके घर के ऑडिशन टेप देखे, उसमें से सिलेक्ट किया, फिर उन्हें यहाँ बुलाए, यहाँ पर उनका सिलेक्शन किया, उनमें से 60 बच्चों को चुनाए हमने, जिनका एक और कंपटीशन करके जो जीतेगा उनके साथ में मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल मेक स्टार्स अमंग्स देम।
कि उनके पास ना फ़ोन है कि वो अपना रील डाल दे, ना खाने को घर में पैसा है, ना घर है, रोड पे रहते हैं। ये 650 वो बच्चे ऑल ओवर मुंबई में, तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और जो बच्चे 50 फाइनलिस्ट में नहीं आए, उनको मैं अपने गानों में, हर एक गाने में 20-25 बच्चों को बुलाती हूँ ताकि उनका घर चले। और ये सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। डर अगर मैं बताऊँ तो जिस दिन शूट था मैं पूरी रात सोई नहीं थी और नमाज पढ़ के दुआएं मांग रही थी कि हाउ विल आई डू दिस। जब चारों मेरे सामने आए, मैंने रिहर्सल भी किया था। इनकी पर्सनालिटीज इतनी अजीम है, इतनी ग्रेट है कि आप जब इनके सामने जाओ ना, आपको लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जब मैं सेट पे गई, पहला स्टेप बता रही थी, मैं बिल्कुल खामोश हो गई। सूरज सर मेरे साथ खड़े थे एंड मैं उनको देख रही थी। ही सेड बोलो बताओ, तो आई स्टिल फील, वो स्टमक में बटरफ्लाइज आ जाती है मुझे। आई स्टिल फील लाइक अ स्टूडेंट बिकॉज बचपन से काम कर रही हूँ, कभी कुछ और देखा ही नहीं है, तो यही मेरी ज़िंदगी है। एंड आई स्टिल फील लाइक अ स्टूडेंट ऑन एवरी सॉन्ग। और इस गाने में तो ये था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इतने बड़े सीनियर है, यू नो, अपने आप में दिग्गज है इतने, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन आपके पास साथ अगर सूरज बरजातिया जी जैसा साया हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आसमानों को छूता है। और मैं तो सूरज सर का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, बिकॉज उनका ट्रस्ट ही मुझे इनके सामने ले आया बेसिकली। और जितनी ऑडियंस, मतलब ऑडियंस का मैं शुक्रिया हर बार अदा करना चाहती हूँ कि मेरे हर गाने को सराहते हैं, फिल्म चले ना चले, लेकिन वो एक गाने को उठा लेते हैं। दे सेंड मी, बहुत सारे DMs आते हैं मुझे, मैसेजेस भेजते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, और ये एनकरेजमेंट है मेरे लिए। ये सब एनकरेजमेंट है कि अगला गाना मुझे इससे अच्छा करना है। तो आई वुड लाइक टू थैंक everyone, बिकॉज आज भी ऑडियंस को अच्छे और बुरे की पहचान है, आज भी वो इस क्लासिक। बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये गाना इसमें क्या ऐसी बात है स्टेप के अलावा कि ये आँखों को इतना शांत लग रहा है, आँखों को इतना सूदिंग क्यों लग रहा है, ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है। हाँ, तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ, शायद बहुत लोगों को मैं नहीं दे पाई जवाब। ये सूदिंग इसलिए लग रहा है कि इसे बहुत एस्थेटिकली करेक्ट शूट किया गया, कैमरा एंगल्स एंड एडिटिंग। आजकल जो लोग एडिट को यूज़ करके खट 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 कट मारते हैं, फास्ट, यहाँ से वहाँ से कैमरा कुछ भी घूमता रहता है, इसमें हमने वो नहीं किया। मैं अपने गानों में वो नहीं करती, इसलिए मेरे गाने सीधे और साफ दिखाई देते हैं और ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। यही है जिसे मैं कहती हूँ, सोल ऑफ कोरियोग्राफी इज़ नॉट ओनली डांस, इट्स अबाउट कैमरा एंगल एंड एडिटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसे मैं कायम रखती हूँ और हमेशा रखूँगी। और इस गाने का और एक सवाल आता है कि केटिको का क्या मतलब है। इसका मतलब है नेपाली में लड़की, वो पहाड़ों को बोल रहे हैं, आपने गाने में देखा होगा, तो वो केटिको का मतलब लड़की है, तो नेपाल में लड़की को केटिको कहते हैं। मैडम, राशि का बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि मैंने प्यार किया और कोई फिल्म हो, तो कितना चैलेंज था आपके लिए, इतने बड़े बैनर के गाना बना रही हूँ, गड़बड़ हो रही है, और कितना प्रेशर था सी? प्रेशर मैंने राष्ट्रीय के साथ काम करने में पहली फिल्म में लिया था, जब मैंने एक विवाह ऐसा भी की थी, ये मेरी तीसरी फिल्म है राष्ट्रीय के साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म थी एक विवाह ऐसा भी, दूसरी फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, और तीसरी ये फिल्म है। तो जो लेगेसी ऑफ राष्ट्रीय प्रोडक्शन है, जो 75 ईयर्स से उन्होंने जो एक लेगेसी बना के रखी है, जो बहुत ही प्योर है, हार्ट टचिंग है, और बहुत ही फैमिली ऑडियंस की है, उस वो मैं खुद आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कोई एक चीज़ जो मैं करूँ तो फैमिली उसको साथ में बैठ के देखे, तो वो सारी मैंने प्रैक्टिस फर्स्ट फिल्म से ही शुरू कर दी थी। इट वॉज़ वेरी बिगनिंग ऑफ माई करियर, दैट फर्स्ट फिल्म विच आई डिड विद देम, एक विवाह ऐसा भी। तो शुरुआत के दिनों में ही मैं उनके साथ काम करने लगी, तो अब तक तो इट्स बिकम लाइक अ फैमिली एंड वी नो ईच अदर प्रिटी वेल। वी नो राष्ट्रीय प्रोडक्शन की क्या वैल्यूज़ है, और उसको वो वैल्यूज़ मैं भी अपने घर से लेकर आती हूँ, तो उसको तो हम बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस दे के काम करते हैं। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.